उसमें जो दर्द की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा होती है बुखार की शिद्दत के मुकाबले में। नहीं, शुरू किस तरह होता है? नज़ला ज़ुकाम होता और है? आम तौर पर जो है वो स्टार्ट इसी तरह से होता है जिस तरह से कोई भी नज़ला ज़ुकाम की कैफियत होती है, जिसकी के वजह से जो है नज़ला ज़ुकाम खांसी जिसको हम कहते हैं, इस तरह से शुरू होता है वो। लेकिन बुखार की शिद्दत के मुकाबले में जिस्म में दर्द जो है ना डेंगू में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है, क्रशिंग बोन, हड्डी तोड़ बुखार जो है, हड्डी तोड़ बुखार जी। और उसके बाद इसमें जो दूसरी करेक्टरिस्टिक इसकी फीचर ये होती है कि उसमें रैश होता है, यानी रेडनेस जो है ना, रेड स्पॉट्स जो है वो जिस्म में किसी किसी जगह पर नुमाया होते हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि हम लोगों की ज़्यादातर मेजोरिटी की हमारी स्किन डार्क है तो वो रैश का हमें इतना पता नहीं चल पाता। और उसके अलावा जो है वो बहुत सारे लोगों में शुरू में इसमें खांसी भी होती है और पेट में दर्द भी होता है। ओके, और बाज़ लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ख़ास ऊपर गम्स में या मुंह में जो है ना ब्लीडिंग होती है। लोगों का डर और खौफ की जो सबसे ज़्यादा वजह वो ये है कि प्लेटलेट्स जो है ना वो काउंट कम हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि अगर जैसे किसी को बुखार है तो बेहतर ये है कि डॉक्टर को चेक करवा ले, और अगर कोई टेस्ट करवाना है तो CBC का जो टेस्ट है जैसा कि आपने सजेस्ट किया, और उसमें WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट के ज़रिए आमतौर पर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि ये बुखार कहीं शायद डेंगू ना हो। अच्छा, प्लेटलेट काउंट सिर्फ डेंगू में ही कम होता है या दूसरे और वायरल इन्फेक्शन में भी कम हो सकता है? और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में और अक्सर औकात मलेरिया में भी कम हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ प्लेटलेट काउंट के ऊपर हम डिपेंड करके डायग्नोसिस नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो डायग्नोसिस के लिए इसका डेंगू का टेस्ट आता है वो अब फ्रीली अवेलेबल है और कई जगहों पर अवेलेबल है, और उसकी कीमत भी बतदरीज कम होती जा रही है उस टेस्ट की, तो बहुत से लोग उसको भी करवाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डेंगू की आप तशखीस कर सकें या ना कर सकें, इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप तशखीस कर भी लेंगे तो चूंकि उसका कोई बराह रास्त इलाज नहीं है, जैसे मलेरिया में हम कह देंगे भाई आप ज़रूर तशखीस करवा लें ताकि मलेरिया का बड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, अगर आपको पता चल गया मलेरिया एंटी मलेरियल आप दे दें। डेंगू अगर आपने तशखीस कर भी लिया तो आप जो है वो उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ना होने की वजह से आपका एकेडमिक इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा, आपका पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा कि डेंगू के कितने केसेस हुए हैं, लेकिन उस मरीज़ को बराह रास्त उससे कोई फ़ायदा और नहीं पहुँचेगा। इलाज के इसके अलावा जैसे कि CBCs आप करवा रहे हैं, प्लेटलेट्स आप मॉनिटर करते हैं, या उस शख्स का ब्लड प्रेशर के जरिए डॉक्टर इलाज क्या है, अगर डेंगू पता चल गया तो भी इलाज वही है, जो कि अगर पता आपको नहीं होगा तो आप इलाज करेंगे। इसका मतलब ये कि सपोर्टिव थेरेपी आप करेंगे, लोगों का बुखार जो है उसको कंट्रोल में रखा जाएगा। मैं आपसे क्लियरली पूछना चाहूँगा और मैं खुल के बात करना चाह रहा हूँ। देखें, डेंगू में जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बुखार। बुखार उतारने के लिए पैरास्टामोल की गोलियाँ या उससे मिलते जुलते नामों की गोलियाँ जो मैं ले नहीं सकता, वो आप दवा खाएं बुखार उतारने के लिए। पानी पिए ज़्यादा, फ्लूड्स ले लें, फ्लूड्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना, फ्लूड्स ले लें। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं, तो ORS भी ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है, हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे जो मैंने शुरू में एक बात की, हमारे पास डॉक्टर के पास आप जाएँ, क्योंकि कुछ तो ऐसे डॉक्टर हैं जो कि डॉक्टर हैं ही नहीं, क्विक्स हैं और लाखों में हैं वो, और बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कि खुद भी क्विकरी कर रहे हैं। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो विदाउट चेक किए हुए और एंटीबायोटिक दे दी, कैनुलोन्स ग्रुप दे दिए, मुख्तलिफ ग्रुप दे दिए, जो ऑलरेडी और आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल है इसमें? नहीं, एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है डेंगू में खास तौर पे। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि लोग ड्रिप लगाना शुरू कर देते हैं, ड्रिप लगाने से मरीज को फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। और इसीलिए जैसे आपने सजेस्ट किया कि ओरली जो है ना आप फ्लूड्स और फ्रूट जूसेस वगैरह से जो है ना उस बंदे की हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, और पैरासीटामोल की दो गोलियां जो हैं वो एक एडल्ट के लिए काफ़ी होती हैं 4 घंटे के लिए। अगर बुखार की शिद्दत या जिस्म में दर्द की शिद्दत ज़्यादा है तो 4-4 घंटे के बाद 2-2 गोलियां पैरासीटामोल की लेते रहें। हम आमतौर पर कहते हैं कि एस्प्रिन को इसमें अवॉइड किया जाए, क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है ना इस वायरल इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड है। एस्प्रिन जो है, जी हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या हर जिसको अब डेंगू सपोज पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इस वक्त तो इतना खौफ हरेसमेंट है कि लोग ही समझते हैं मुझे डेंगू पॉजिटिव आया, अब बस दुनिया में नहीं रहूँगा, लोग वसीयतें लिखनी शुरू कर देते हैं। जी जी, शुरू में दरअसल जो डेंगू में 2005 में और 2006 में केसेस हुए थे ना, तो उसमें काफ़ी अमवात वाक़ हुई थी, और वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, एक तो ओवरऑल लोगों में इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं थी, दूसरा ये था कि डॉक्टर्स भी उसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड नहीं थे। अब वक्त के साथ साथ चूंकि लोगों की ट्रेनिंग भी हो गई है, आवाम में अवेयरनेस भी बढ़ गई है, और हम लोगों ने अपने ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स को भी इम्प्रूव कर लिया है, तो अब जो है वो डेंगू से इतनी ज़्यादा अमवात वाक़ नहीं सर, लेकिन लाहौर में तो हो रहा है। और इस पर मैं बात करता हूँ, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हमारे प्रोग्राम के बहुत ही
रेगुलर और बहुत ही हमारे चहेते कॉलर डॉक्टर अली इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर शहजाद, आई थिंक यू हैव टच द पल्स ऑफ द नेशन प्रेजेंटली। थैंक यू जी। डॉक्टर खानानी नोज मी एज ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ इन्फेक्शियस सोसाइटी। तो बेशक एक तो चीज़ थोड़ा सा कह दूँ, मलेरिया डेंगू एंड टाइफाइड इसका डीडी बनाए, क्योंकि ये तीनों वाटर रिलेटेड हैं, दो उसमें मॉस्किटो बेस्ड हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ जो अभी प्रिवेंशन की उन्होंने बात की, हमारे यहाँ आजकल बच्चों में और नौजवान ख्वातीन में और लोगों में रुझान हो गया है कि कपड़े ऐसे पहन रहे हैं, स्लीवलेस हैं, टांगें खुली हुई हैं, बच्चे भी जो इसमें पहन रहे हैं। तो एक बेस्ट रिपेलेंट क्लीन अच्छी क्लोथ हैं, कॉटन की या जो भी, जो इंसान को प्रोटेक्ट करती हैं, इन एडिशन टू रिपेलेंट जो बाजार में मिलते हैं जो कॉस्टली होते हैं। तो लोगों में एक अपने को बॉडी कवर करने का रुझान रखें, इस सेंस में नहीं कि मुसलमान हो जाएंगे, इस सेंस में कि ये एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव मेजर है। और एक ज़रूरी बात, जैसे इन्होंने कहा ग्लोबल हेल्थ और डिजीजेस ट्रांसफर कर रही हैं, और अलाउ मी टू से आई थिंक पीपल शुड, इट इज कॉल फॉर, लेट अस बिकम गुड ह्यूमन बींग्स एंड डॉक्टर्स एंड मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। इफ वी कैन गेट बिलियंस ऑफ रुपीज एंड इट इज बीन लाइक करप्टेड मनी लाइक इन ऑल डिपार्टमेंट, वी विल ऑलवेज क्राई एंड से दिस, लेट्स बिकम ऑनेस्ट एंड स्पेंड। 70% लोग गरीब हैं, देखें अभी कितने सैलाब और बारिशें हो रही हैं, हम सिर्फ लाहौर कराची को क्यों याद रखते हैं, थरपारकर भी है, छांगा मांगा भी है, छोटे छोटे गाँव हैं, वो भी तो इंसान है। लेट अस लुक ऑफ द हेल्थ ऑफ द रूरल हेल्थ, कितना वहाँ पे डेंगू मलेरिया हो रहा है और मेल नरिशमेंट हो रही है, टाइफाइड हो रहा है। तो डोंट जस्ट एड्रेस द इश्यूज ऑफ लाहौर कराची एंड इस्लामाबाद, एड्रेस द इश्यूज ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ मलेरिया डेंगू एंड टाइफाइड। दिस इज माय एडवाइस टू यू डॉक्टर साहब, बिकॉज यू ऑलवेज टॉक एज ए मेडिसिन ऑफ द इलीट क्लास और प्रिवेंशन, टॉक ऑफ द मेडिसिन ऑफ द पुअर क्लास, इन गरीबों की मेडिसिन पे भी तवज्जा दें, रूरल मेडिसिन। बिल्कुल जी। सो विद दिस एंड आई थिंक यू डोंट माइंड, बिकॉज नो नो नॉट एट ऑल सर, एंड यू आर गुड फ्रेंड ऑफ मी एंड आई थिंक नाउ we are developing a sort of a very good relationship, and I always watch this, being though I am an expert, lekin I always learn something, aur aapki misalein badi achhi hoti hai na, ke jo hai khawateen ko apne machharon se shukar hai, tabir nahi kiya kyunki dono machhar female hain, lekin bharal kehne ka maqsad ye hai ki hum isko taleem ko the national level par aur national population ko bachaye, this is my suggestion, and we always look for the ruler aur gareeb logon ka bhi khayal. Exactly ji, bahut shukriya, bahut bahut shukriya, बिल्कुल बात सही की। देखें लाहौर तो शहर है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, केसेस जो रिपोर्ट होते हैं पता भी चलता है। सिंध में, रूरल सिंध में, रूरल पंजाब में, रूरल खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, पता नहीं कितने केसेस होते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आपने कहा कि रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड केसेस, डेंगी का वायरल इन्फेक्शन इस किस्म का इन्फेक्शन है कि जो हमें नंबर नज़र आ रहा होता है कि 5,000 केसेस हो गए या 500 केसेस हो गए या 1,500 केसेस हो गए या 15,000 केसेस लाहौर में हो गए, दिस इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो एक केस हमारे पास डायग्नोज या रिपोर्ट होता है उसके पीछे तकरीबन तकरीबन 10 से लेके 100 टाइम्स ज़्यादा केसेस एक्चुअल कम्युनिटी में हो रहे होते हैं, मौजूद होते हैं, जिनको कि हम डायग्नोज नहीं कर पाते। जब हम अलामत की बात कर रहे थे तो मैं एक बात बताना भूल गया कि अक्सर औकात डेंगू का वायरस या वायरल इन्फेक्शन इंसान को होता है और उसको पता भी नहीं चलता, एक दो दिन उसके जिस्म में दर्द हुआ और खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है, चूंकि सेल्फ लिमिटिंग है। हाँ, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, एक और तो, बात मैं डॉक्टर इमरान की बात कहूँगा कि डॉक्टर साहब देखें, हम जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं ना, अब हमारे पास जैसे लोगों की डिमांड आई है, लाहौर से ज़्यादा आ रही है, केस भी हम देख रहे हैं, तो हम स्पेसिफाई इसलिए कर रहे होते हैं ताकि अहलियाने लाहौर या वहाँ के लोग, उनको रिपोर्टेड तो केस पता है। लेकिन अगर हम जब बीमारी की बात कर रहे होते हैं तो बीमारी तो देखें हर जगह एक जैसी है, बीमारी का इलाज और तशखीस हर जगह एक जैसी है। और यकीन कीजिए, पिछले साल जब सैलाब आया, मैं उन एरियाज में जाके रहा हूँ, और अफसोस मुझे ये हो रहा है कि वो लोग तो अभी तक बेचारे बहुत कसम कुर्सी की हालत में हैं, और मज़ीद सैलाब आया हुआ है, और ये भी है कि अब नया सैलाब भी एक्सपेक्टेड है, जो कि हैरत होती है कि पिछले साल जब हम एक सैलाब देख चुके हैं, हमने क्यों एहतियाती तदाबीर नहीं की हैं। लेकिन अगर वही वाली बात मैं ज़्यादा बात करूँ तो फिर लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को बहुत बुरा लगता है, लोगों को फिर मेरी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। खैर, वो तो है, हो गया, मैं कर नहीं सकता कुछ भी। पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि ये क्यों हर वक्त बकवास करता रहता है, लेकिन मैं तो करूँगा। लेकिन इलाज सबका एक ही है डॉक्टर साहब। इलाज पे मैं जो बात कर रहा था, एंटीबायोटिक का रोल नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक डॉक्टर साहब ने, लाहौर के एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई आज सुबह, उन्होंने कहा कि एक मरीज़ मेरे पास आया, मैं तो उन डॉक्टर साहब की जो अपनी फीस होगी 1,000 रुपये जो भी थी, उन्होंने फीस दी, फीस किया तो उन्होंने जो है इलाज ये लिखा कि भाई तुम्हें सिर्फ पैरास्टामोल की गोलियाँ या उससे मिलते जुलते नाम की जो गोलियाँ हैं वो दिन में 3 दफ़ा खानी है, फ्लूड लेना, रेस्ट करना है। वो मरीज़ जो है उनको लिटरली कहेंगे कि यार एक बात मुझे बताइए, ये इलाज तो मैं घर में ख़ुद भी कर सकता हूँ,
आप मुझे कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक लिखें। तो उसने कहा एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं है, कहने के ऐसे कैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे आधे ख़ानदान के लोग जो हैं वो एंटीबायोटिक मुझे बता चुके हैं, मैं जाके ख़ुद वो खा लूँगा, आप नहीं लिख सकते। हमारे यहाँ लोग इंसिस्टेंट क्यों हैं एंटीबायोटिक पे? सेल्फ मेडिकेशन भी तो इतनी है कि बहुत सी दफ़ा तो, क्योंकि एंटीबायोटिक एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी को समटाइम्स ज़रूरत नहीं है तो सप्रेस करती हैं कि हर बीमारी में एंटीबायोटिक ज़रूरी है। नहीं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। और मेरा ख्याल ये कि ये हमारी, हम जो कहते हैं ना कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, हमारी अवेयरनेस जो है ना इसमें ये फोकस ज़रूर होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स दुनिया में जितने भी अच्छे ममालिक हैं वहाँ कहीं भी एंटीबायोटिक जो है वो मरीज़ अपनी मर्ज़ी से जाकर ले नहीं सकता, और जो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है वो भी उसकी प्रेस्क्रिप्शन जो है ना उसको रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है, और फार्मासिस्ट उसको जब डिस्पेंस कर रहा होता है तो फार्मासिस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि उसको प्रॉपर डोज में दी गई है और उसको प्रॉपर पता है कि उस दवा को किस वक्त इस्तेमाल करना है, मिनिमम कितने पीरियड के लिए उसको इस्तेमाल करना है, मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ना कोई एंटीबायोटिक की पॉलिसी है और ना गवर्नमेंट ने इसके हवाले से कोई रेस्ट्रिक्शंस रखी हुई हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि क्वेकरी यहाँ पर हमारे यहाँ इतनी आम है कि हर मरीज़ भी और डॉक्टर भी और फार्मासिस्ट भी और क्वेक भी, हर शख्स अपनी मर्जी से सर यार, तो एंटीबायोटिक मरीज लेता से आप रहता है। पूछे ना, वो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, क्यूनिलोन सब खा के आपके पास आता है। डॉक्टर जी साहब, एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट खुशकिस्मती से डॉक्टर लाहौर से मौजूद हैं, डॉक्टर अमानुल्लाह साहब हमारे साथ, जी हम जी उनसे भी जी जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमान। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब मैं फाइन, आई एम प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और आई मस्ट क्लेम टू बी द सीनियर मोस्ट पर्सन इन पाकिस्तान। सर थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, आई एम ऑनर्ड, आई एम इट्स माय प्लेजर। मैं आपके सीपीएसपी का भी डीन रहा हूँ और कम्युनिटी मेडिसिन के सीपीएस का एग्जामिनर भी रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आई एम करंटली विद फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज लाहौर में होता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं पिछले 5 साल से आपके ये डेंगू को लाहौर में फॉलो कर रहा हूँ, और ये आप जिस तरह सिंपल इसको समझ रहे हैं इतना सिंपल नहीं है, द प्रॉब्लम इज जाइगेंटिक। आप लोग इसको सरफेस टच कर रहे हैं। देखिए, 2-3 बातें पहले गौर से सुनिए। एक बात यह है कि ये वायरल डिजीज है, नंबर वन। नंबर टू, इसका जो वेक्टर है वो वेक्टर इनहेरिट करता है इन द एग्स दिस वायरस। इसको फ्रॉम पेशेंट से मस्कीटो को हासिल करने की जरूरत नहीं है। आई टोल्ड द चीफ मिनिस्टर इन पंजाब 5 years back that this disease is going to become number one problem of Punjab, and I'm sure it will grow wider outside even Punjab, और ये रहेगी। इसका जो आंसर है, जो आप ये तेल वगैरह की बातें कर रहे हैं, इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। अच्छा। देखिए, ये मच्छर जो है ये बेसिकली साफ पानी में बैठता है, और ये साफ पानी में घर के माहौल के अंदर बैठता है। जी जी। ये बड़े बड़े तालाबों में, गंदे पानी में, नालियों में नहीं है। सर डॉक्टर रफी खानानी साहब कह रहे हैं वहाँ पे भी है। कहाँ पे? नहीं, मैं बात समझ लीजिए आप। There has been no entomological research in this। सर ये प्रोफेसर, ये पैथोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नहीं, और एंटोमोलॉजिस्ट से हमारी बात हुई है कराची में, बकायदा कराची यूनिवर्सिटी के एंटोमोलॉजी के डिपार्टमेंट में, कि ये साफ पानी में भी होता है और गंदे पानी में भी होता है, तालाबों में भी होता है, आउटडोर पे भी होता है, इंडोर पे भी होता है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का रिसर्च आर्टिकल है उसके ऊपर। मेरा ख्याल है कि कंट्रोवर्शियल चीजें हमें इस पे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम इसको आंसर नहीं कर सकते। आई लव टू सी द रिपोर्ट ऑफ दैट एंटोमोलॉजिस्ट जिन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया हो। देयर इज नथिंग करेक्ट इन दैट। वो ये घर के माहौल के पास है, ये आपके बाहर बिल्कुल घर के इर्द गिर्द में होता है, और शाम के वक्त और सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये सर, दो वक्त में आके काटता है। डॉक्टर मान साहब मजीद बातें करते हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाजिम जा रहे हैं, छोटे से ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।